ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते, ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, बाबा के साइंस चरित्र में, जी हाँ, हम बाबा का साइंस चरित्र प्रसंग कर रहे हैं। तो साइंस चरित्र प्रसंग में आज हम करेंगे भगवंत राव क्षीरसागर। जी हाँ, श्री विठ्ठल पूजन की, विठ्ठल पूजन यानी विठोबा जी की पूजा, हमारे साईं बाबा श्री विठ्ठल पूजन में जो आनंद लेते हैं, जो आनंद उनके भाव में बरसता है, उस भाव को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है। और ये स्पष्ट होगा जब हम क्षीरसागर यानी भगवंत राव क्षीरसागर की कथा की ओर जाएंगे। जी हाँ, भगवंत राव क्षीरसागर इनके पिता विठोबा जी के परम भक्त थे। जी हाँ, विठोबा जी के परम भक्त थे। और विठोबा जी के पंडापुर में हर साल वारी लेकर जाते थे। हर साल वारी लेकर जाना, श्राद्ध करना, अमावस करना, और नित्य दिन विठोबा जी की वंदना, पूजा करना, भोग लगाना, इतना ही नहीं उन्हें स्नान कराना, विठोबा जी को प्रतिदिन स्नान कराना, भोग लगाना, क्षीरसागर के पिताजी का नित्य प्रतिदिन कार्य था। अब वो नहलाते थे, तस्वीर थी इतनी बड़ी, तो उसमें वो उनको नहलाते थे। भगवंत राव क्षीरसागर के पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात भगवंत राव क्षीरसागर ने सारे कार्य छोड़ दिए। ना ही वो विठोबा जी की प्रतिदिन पूजा करते थे, ना ही प्रतिदिन भोग लगाते थे, और ना ही वारी लेकर जाते थे पंडरपुर। और इसके अलावा श्राद्ध और अमावस वो तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब आप ही सोचिए, कहां भगवंत राव क्षीरसागर के पिता सारी चीजें करते थे, और अब विठोबा जी किस प्रकार से पूजन करें, क्या करें। ये भगवंत राव क्षीरसागर ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई श्राद्ध नहीं, कोई अमावस नहीं, कोई पंडरपुर में वारी लेकर भी नहीं जाना, कुछ नहीं, बस अपने में मस्त रहते। ऐसे में कुछ दोस्तों का आपस में सलाह मशवरा करना और बाबा जी के यहाँ शिरडी पहुंचना अपने आप में बड़ी बात थी। भगवंत राव क्षीरसागर जब शिरडी पहुंचे, और शिरडी में जैसे ही वो बाबा जी के समक्ष खड़े हुए द्वारका माई मस्जिद में, तो बाबा जी ने कहा, अरे भगवंत राव क्षीरसागर, आओ 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 भाई। भगवंत राव क्षीरसागर बाबा जी की ओर बढ़ते हैं, हाथ जोड़कर चरणों में अरदास लगाते हैं। तो साईनाथ महाराज कहते हैं, भगवंत राव तुम्हारे पिता मेरे परम मित्र थे, इसीलिए मैंने तुम्हें द्वारका माई मस्जिद शिरडी बुलाया है। जानते हो, उनकी मृत्यु के बाद आपने तो भोग लगाना ही बंद कर दिया। अरे हम और विठोबा जी तो भूखे मर गए। मैं और विठोबा, ना आप प्रतिदिन भोग लगाते हो, ना वारी लेकर जाते हो पंडरपुर, और ना ही श्राद्ध अमावस, ऐसा कुछ भी नहीं करते जो तुम्हारे पिता करते थे। अब भगवंत राव क्षीरसागर क्या बोले, वो हाथ जोड़ के बाबा जी की सारी बातें सुन रहे थे। सब जो बाबा जी कह रहे थे वो सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें इस सब संगत के साथ शिरडी बुलाया है।
जानते हो, अब तुम शिरडी में आए हो तो नित्य प्रतिदिन तुम्हें पूजन करना होगा। पूजन करोगे, प्रतिदिन पूजन करोगे, प्रसाद चढ़ाओगे। जी हाँ, बाबा ने भगवंत राव क्षीरसागर से हट की, और हट करने के साथ साथ जानते हो भगवंत राव क्षीरसागर को अपनी पूजा में लगा दिया, विठोबा जी की पूजा में लगा दिया, जो सब उनके पिता करते थे भगवंत राव क्षीरसागर के, वो सब बाबा ने भगवंत राव से प्रारंभ करा दिया। ऐसे ही हैं हमारे शिरडी के साईनाथ। जी हाँ, हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज प्रेम पूर्वक अपने भक्तों से अपने सारे कार्य, जी हाँ, सारे कार्य कराते हैं अपने प्रेम में, प्रेम के चलते वो अपने सारे कार्य करा लेते हैं। हम साईनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे साईनाथ महाराज, जैसे आपने क्षीरसागर, भगवंत राव क्षीरसागर को सद्बुद्धि दी, उन्हें अपने द्वार बुलाया, उनका उद्धार किया, हम सब भक्तों का भी करिएगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम।